आज है 14 अगस्त की सुबह, आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलामु व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं। आसमान देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ब्लू आसमान पे कहीं पे वाइट बादल हैं तो कहीं पे ब्लैक। बादलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज बहुत तेज बारिश होगी, हर तरफ बादल ही बादल नजर आ रहे हैं। 14 अगस्त के मौके पर लोग अपने घरों में फ्लैग लगाते हैं। ये देखें हमारे बराबर वाले घर में लगा है फ्लैग, काफी बड़ा फ्लैग है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। सामने घर में देखें दो फ्लैग लगे हुए हैं जो लहराते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये सामने घर में लगे हैं फ्लैग और ये आसमान में उगते हुए कबूतर एक साथ इतने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। अब मैं जा रही हूँ देवर के घर, वहाँ पे मेरी नंद आई हुई है तो उनसे मिलने जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड गाड़ी लेकर आ गए हैं। निकल चुके हैं, सबसे पहले जाएंगे बहू को उसकी अम्मी के घर छोड़ने, उसके बाद जाएंगे अपने ससुराल। और आज भी सुबह में थोड़ी बारिश हुई तो हर तरफ फिर से पानी ही पानी हो गया है। ये देखिए कितना बड़ा गढ़ा हो गया है, कोई यहाँ देखने वाला नहीं, हर तरफ रोड का यही हाल है। कराची को तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है, रोड की हालत देख के तो बहुत अफसोस होता है कि यहाँ कोई कराची को देखने वाला नहीं है। बस सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं, किसी को कराची की कोई फिक्र नहीं है। कराची के लोग तो इतने यूज़फुल हो गए हैं कि बारिश पानी में भी वो 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर तरफ बूढ़े बच्चे जवान लड़कियाँ नजर आ रही हैं जो ग्रीन और वाइट कपड़े पहने हुए हैं। और ये मार्ट है, ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है, 14 अगस्त की वजह से उसको भी डेकोरेट किया हुआ है। और ये मेरे हस्बैंड बारिश में लेके निकले हैं हमें एंजॉय कराने के लिए। ये देखें यहाँ इतना पानी खड़ा हुआ है और ये पार्टी वालों ने अपना सेटअप लगाया हुआ है 14 अगस्त का। किसी को कुछ नजर नहीं आता, इतना पानी है कुछ भी है, सब अपने अपने कामों में मसरूफ है और 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहू को उसकी अम्मी के घर छोड़कर अब हम जौहर जा रहे हैं। रास्ते में बहुत रश है, ट्रैफिक बहुत जाम था, तकरीबन की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, बहुत स्लो गाड़ियाँ चल रही थी। और हम तकरीबन पहुँच गए हैं, वहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है, इस वजह से लोग सारे तकरीबन ही पहुँचे हुए हैं तो इसलिए रश बहुत ज़्यादा हो रहा है। गाड़ियाँ भी बहुत नज़र आ रही हैं और लोग भी बहुत हैं, वजह से पूरी रोड ही ब्लॉक हुई हुई थी, गाड़ियाँ बहुत स्लो चल रही थी। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ से निकले, आगे सब ओपन था। देखें यहाँ से ट्रैफिक बिल्कुल खुल गया है। और ये आ गया चेज़ अप। अब हम पहुंच गए जौहर। इस बिल्डिंग को कितना खूबसूरत सजाया हुआ है। अब हम पहुंच गए देवर के घर, चाय के ऊपर फ्लैट। काफी लेट पहुंचे थे उनके घर, इसलिए खाना निकाल दिया और वहां पर खाना
मन देवर और मेरे हस्बैंड सब खाना खाने बैठ गए। डांट लगाया जो भक्ति में लगाया था और उसको लाइटिंग भी की हुई है तो बहुत वीडियो बना ली। और रात के 1 बज रहे हैं और घर जा रहे हैं और रात से बहू को भी लेते हुए जाना है। मुझे हस्बैंड करना है गिफ्ट का इंतजार और अब गिफ्ट आ गई है। हो रही है हमें काफी बाइक वाले साइड पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं और देखिए बिजली भी चमक रही है। काफी तेज बारिश हो रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुझे दुआओं में याद रखें।